नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आशा सचदेवा का है। आशा सचदेवा वो एक्ट्रेस जो बड़ी ही तेजी के साथ फिल्मों में एक मुकाम को हासिल कर रही थी, लेकिन बी ग्रेड फिल्मों ने उनके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आशा सचदेवा बॉलीवुड की उन हीरोइनों में से एक थी जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के सभी कायल थे और साथ काम करने के सपने भी देखते थे। 70 के दशक में आशा सचदेवा काफी मशहूर थी और उस दौर के हर पॉपुलर निर्देशक और एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। खुद महेश भट्ट भी उनके साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। आशा सचदेव धीरे धीरे सफलता के पायदान पर चढ़ ही रही थी, लेकिन एक बी ग्रेड फिल्म ने आशा सचदेवा के करियर पर ब्रेक लगा दिया। लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया और यहां तक कि जिन निर्देशकों और कलाकारों को वो जानती थी वो भी उनसे कन्नी काटने लगे। सफलता के चरम पर रहते हुए आशा सचदेव ने एक फिल्म की थी, बिंदिया और बंदूक। बेशक ये एक बी ग्रेड फिल्म थी, लेकिन जबरदस्त हिट रही। आशा सचदेव की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई, लेकिन इसी फिल्म ने आशा सचदेव के एक्टिंग करियर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि उनकी जिंदगी ही पलट गई। बिगरेट फिल्म में काम करने के चलते आशा सचदेव के साथ कोई भी काम करने को राजी नहीं हुआ। ए ग्रेड निर्देशकों ने तो बिल्कुल ही कन्नी काट ली। नतीजा यह हुआ कि आशा सचदेव के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं। इसके बाद न चाहते हुए भी आशा सचदेव को कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लीड हीरोइन के बजाय आशा सचदेव को सपोर्टिंग हीरोइन के किरदार मिलने लगे। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी फिल्म में उनका साइड रोल ही होता, और आखिर देखते ही देखते वो कैरेक्टर रोल तक सिमट कर रह गईं। रेखा की आई एक फिल्म वो मैं नहीं में लोगों ने आशा सचदेव को काफी सराहा और उनके बोल्ड लुक की तारीफ भी की, लेकिन उसका भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। उसके कुछ सालों के बाद आशा सचदेव ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आशा सचदेव को हमेशा ही इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने को नहीं मिले। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक ने उनसे मुंह मोड़ लिया। न जाने किस बात के लिए आशा सचदेव को इतनी बड़ी सजा मिली कि अच्छे खासे चलते करियर पर ब्रेक लग गया। यूं तो आशा सचदेव ने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन दो गाने जो उन पर फिल्माए गए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है, एक द बर्निंग ट्रेन का गाना है और दूसरा है फिल्म प्रेम रोग का। ये दोनों गाने कौन से हैं कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।